नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। और वक्त हो चला है 4 बजे की चार बड़ी खबरों का। 4 बजे की चार बड़ी खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक नजर हेडलाइंस पर। उज्जैन में विजयदशमी पर नगर भ्रमण पर निकलेंगे महाकाल। कलेक्टर ने सवारी मार्ग का किया निरीक्षण। दशहरा मैदान में होगा अष्टमी पूजन। पुलिस बल के जवान महाकाल को सलामी देंगे। रीवा में जलेबी को लेकर सियासी बवाल। अरे जलेबी अपनी जाति तो बता दे, बीजेपी नेता ने चौराहे पर लगाया पोस्टर। वही राहुल गांधी पर कसा तंज। दमोह में धान की फसल में महामारी का प्रकोप। कुम्हारी क्षेत्र में फसल का हुआ सर्वे। किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। लाखों की लागत पर फिरा पानी। महू में इंदौर लोकायुक्त ने की कार्रवाई। महू में बीपीओ को गिरफ्तार। 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पंचायत सचिव ने मांगी थी रिश्वत। 4 बजे की चार बड़ी खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी ये चार बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आ रही है उज्जैन से, आपको बता दें। दूसरी खबर रीवा से है। तीसरी खबर है दमोह से। वहीं चौथी और आखिरी खबर है महू से। वहीं हम बात करें पहली खबर की, तो पहली खबर उज्जैन से, जहां पर विजयदशमी पर नगर भ्रमण पर निकलेंगे महाकाल। आपको बता दें कलेक्टर ने सवारी मार्ग का निरीक्षण किया। दशहरा मैदान में होगा अष्टमी पूजन। वहीं पुलिस बल के जवान महाकाल को सलामी देंगे। दूसरी खबर है रीवा से, जहां पर रीवा में जलेबी को लेकर सियासी बवाल देखने को मिला। अरे जलेबी अपनी जाति तो बता रहे, बीजेपी नेता ने चौराहे पर पोस्ट लगाया है। वहीं राहुल गांधी पर भी तंज कसा। तीसरी खबर आ रही है दमोह से, जहां पर धान की फसल में महामारी का प्रकोप। कुम्हारी क्षेत्र में फसल का सर्वे हुआ। किसान कर रहे मुआवजे की मांग। लाखों की लागत पर फिरा पानी। चौथी और आखिरी खबर जो है आपको बता दें महू से है, जहां पर महू में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई हुई। पंचायत सचिव पर रिश्वत मांगी गई थी। वहीं 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। महू में बीपीओ को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें चार बड़ी खबरें, पहली खबर उज्जैन से, दूसरी खबर रीवा से, तीसरी खबर दमोह से, वहीं चौथी और आखिरी खबर जो है महू से आ रही है। पहली खबर आपको बता दें उज्जैन से है, जहां पर उज्जैन में विजयदशमी पर्व के अवसर पर शाम 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर से बाबा महाकाल की सवारी नए शहर में भ्रमण के लिए आएगी। चांदी की पालकी में भगवान महाकाल विराजित होकर विभिन्न मार्ग से होकर दशहरा मैदान पहुंचेंगे। यहाँ पर शमी पूजन के बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर लौट जाएगी। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया है कि दशहरा पर्व पर साल में एक बार शाम को 10 बजे राज अधिराज श्री महाकाल नए शहर में भी प्रजा को दर्शन देने के लिए चांदी की पालकी में सवार होकर आते हैं। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ उज्जैन से खुजेमा जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए खुजेमा, आपसे पूछना चाहूंगी कि विजयदशमी पर जो है नगर भ्रमण पर महाकाल निकलेंगे, तो इस दौरान क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, विजयदशमी व्रत को लेकर 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसको लेकर परंपरा के अनुसार जी शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी महाकाल प्रांगण से निकलकर किसी नए शहर में दशहरा मैदान पर पहुंचते हैं। वहां पर परंपरा के अनुसार आरती की जाती है। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर चुकी है प्रशासन की ओर से कर चुके हैं, क्योंकि कल आप देखेंगे तस्वीरों में, तो कल कलेक्टर और एसपी भी निरीक्षण दौरे पर गए थे कि जहां पर सवारी मार्ग का निरीक्षण पूरा किया। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि जो कमी होगी उसको लेकर निर्देश भी दिए गए। ये परंपरा के अनुसार बाबा महाकाल की सवारी साल में एक बार विजयदशमी के अवसर पर शाम 4 बजे निकलती है, जो नए शहर दशहरा मैदान पर जहाँ पर रावण दहन किया जाता है वहां पर पहुंचती है, और वहां पर परंपरा अनुसार पूजन अर्चन किया जाता है। वापस वहां से सवारी पढ़ के महाकाल से पहुंचती है जी। और वहीं कलेक्टर के द्वारा सवारी मार्गों का निरीक्षण किया गया, तो इस दौरान वे सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए खुजेमा? हाँ, देखिए तो सबको मालूम है कि बस में एक बार निकलने वाली सवारी है, तो कलेक्टर ने निरीक्षण किया था कि निरीक्षण के दौरान जो भी सुविधाओं को लेकर कमी महसूस हुई है, तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कमियों को जल्द से पूरी किया जाए, जिसके लेकर सवारी में निकले तो कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब बाबा महाकाल की सवारी निकलती है 4 बजे, तो इसके पहले से ही कहीं पूरे शहर में
उनके बाबा महाकाल के स्वागत के लिए, उनके दर्शन करने के लिए भक्त नजर आते हैं, चौराहे जगह जगह पर खड़े रहते हैं और जगह जगह मंच लगे रहते हैं। हर संस्था अपना मंच लगाती है कि बाबा का हम स्वागत कर सके, बाबा का हम किस तरह से स्वागत कर सके, इसको लेकर तैयारियां की जाती है। और कितनी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया जाएगा जहां से महाकाल की सवारी निकलेगी उन मार्गों पर? देखिए संख्या अभी तक सामने नहीं आई है कि संख्या में पुलिस बल तैनात होगा, यह है कि भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा क्योंकि धार्मिक नगरी उज्जैन में बड़ा ही त्यौहार है और बाबा महाकाल की सवारी की बात आती है तो बड़े ही उत्साह के साथ निकाली जाती है। तो कहीं सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे, सवारी के साथ आपको बैंड बाजे घोड़े बग्घी पंडित पुजारी सभी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे, तो जिसको देखते हुए बड़ा बल लगाने की आवश्यकता रहेगी और पुलिस प्रशासन की ओर से हर प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार भी बड़ा बल लगेगा और सुरक्षित रूप से सवारी निकाली जाएगी, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। और इस दौरान कितनी संख्या में भक्तों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है और किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी शासन प्रशासन के द्वारा भक्तों के लिए? देखिए शासन प्रशासन के द्वारा तैयारियां तो शुरू कर दी गई है, लाखों की संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं, सवारी मार्ग को देखने के लिए पहुंचते हैं क्योंकि बाबा महाकाल की सवर में एक बार सवारी निकलती है तो हर कोई चाहता है कि हमारे वहां से बाबा महाकाल हमारे वहाँ क्षेत्र से गुजरेंगे तो हम उनका बहुत स्वागत करें और हम वहां से हमारे हमारे निवास से दर्शन करें बाबा के। इस तरह के लोगों की उत्साह देखने को मिलता है तो जगह जगह स्टेज बनाते हैं, अपने अपने घरों पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बाबा के दर्शन करते, कहीं लोग श्रद्धालु भी बाहर से आते, उनकी सुरक्षाओं को लेकर भी पुलिस ने इंतजाम किए। और इस साल हमें और क्या कुछ नई विशेषता देखने को मिल सकती है इस दौरान? देखिए ये तो कहना मुश्किल है कि क्या नया देखने को मिलेगा, पर हाँ यह था कि हर बार कहीं ना कहीं बाबा का स्वागत को मंच नए लगते हैं, अलग अलग तरीकों से स्वागत किया जाता है। तो इस बार यह देखना होगा कि दशहरा वर विजयदशमी के वर पर किस प्रकार के लोग भक्त इस बार बाबा महाकाल का स्वागत करते हैं, किस प्रकार से उनको आरती करते हैं और किस प्रकार की परंपरा के अनुसार तो जो आरती और जो दर्शन करना वो तो होना ही है, तो अलग रूप से क्या करते हैं बाबा के लिए ये तो कुछ दिन ही देखने को मिलेगा। जी खुश मैम, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी उज्जैन से थी, जहां पर उज्जैन में विजयदशमी पर्व के अवसर पर शाम 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर से बाबा महाकाल की सवारी नए शहर में भ्रमण के लिए आएगी। चांदी की पालकी में भगवान महाकाल विराजित होकर विभिन्न मार्ग से होकर दशहरा मैदान पहुंचेंगे, यहाँ पर शमी पूजन के बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर लौट जाएगी। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जारी है रीवा से, जहां पर मध्य प्रदेश में जलेबी को लेकर सियासत जारी है। सीकरी में हरियाणा में बीजेपी की जीत की खुशी पर बीजेपी नेता ने चौक पर पोस्टर लगाकर जलेबी की जाति ही पूछ दी है। रीवा शहर के सिरमौर चौराहे पर लगे एक पोस्टर ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। पोस्टर में राहुल गांधी जलेबी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रीवा से रहीम जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए। रहीम, रीवा में जलेबी को लेकर जो है सियासी बवाल हमें देखने को मिल रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। मैडम आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए बयान को लेकर बीजेपी ने पूरे चुनाव में निशाना बनाया था, जिसके चलते बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने चौराहे पर राहुल गांधी को एक पोस्टर लगाया है जिसमें जलेबी की जाति पर सवाल किया गया है। जी, क्या कुछ सवाल किया गया है इसके बारे में बताइए कि जलेबी की जाति बताओ। जी, तो इसे लेकर क्या कांग्रेस नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक देखने को मिल रही है रहीम? ये एक चर्चा के विषय बना हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने मंगत राम की जलेबी को फैक्ट्री तक पहुँचाने का बयान दिया था, जिसके बाद से ही जलेबी पर राजनीति चालू हो गई थी। भाजपाइयों ने इस बयान को पूरे चुनाव में उपयोग किया, जिसका परिणाम ये रहा कि हरियाणा में जी। तो जिस रहीम आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से ये जलेबी को लेकर सियासी बवाल हमें देखने को मिल रहा है, तो इस लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आरोप लगाया गया होगा कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पर, क्या कुछ प्रतिक्रिया हमें कांग्रेस नेताओं की देखने को मिले, स्थानीय नेताओं की? कांग्रेस नेता की तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है।
और वहीं जो है चौराहे पर पोस्टर भी लगाए गए हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग खड़े होके देख रहे हैं, एक तरह से कौतूहल का विषय कह सकती हैं आप, लोग खड़ा होके देख रहे हैं उसको, पोस्टर का चर्चा बना हुआ है। दरअसल ये गौरव तिवारी हैं, वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के हैं, इन्होंने ये पोस्टर लगाया है। और वहीं पूरे एमपी में जो है जीत को लेकर, हरियाणा में बीजेपी की जीत हो गई है, तो इसे लेकर जश्न मनाया जा रहा है, तो रीवा में किस तरह की क्या तस्वीर हमें देखने को मिल रही है? रीवा में भी भाजपाइयों में तो खुशी का माहौल है, उन्होंने ये कहा है कि अच्छे काम की जीत होती है, उस तरह जीत हुई है, जाति को लेके जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी हार हुई है, इस तरह की चर्चाएं हैं यहाँ पे भाजपाइयों के बीच में। जी, वहीं ये जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं राहुल गांधी के, और जलेबी बनाते हुए भी मुखौटा लगाया गया है, जी, तो इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? इसमें भी जो कांग्रेसी हैं वो कुछ अभी बोलने को, इसमें उनका इस पर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी रीवा से, जहां पर मध्य प्रदेश में जलेबी को लेकर सियासत जारी है, इसी कड़ी में हरियाणा में बीजेपी की जीत की खुशी पर बीजेपी नेता ने चौक पर पोस्टर लगाकर जलेबी की जाति ही पूछ दी है। रीवा शहर के सिरमौर चौराहे पर लगे एक पोस्टर ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। पोस्टर में राहुल गांधी जलेबी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी खबर है दमोह से, जहां पर दमोह में धान के पौधों में कीड़े लगने की वजह से फसलों की जड़ों में कीड़े लगना शुरू हो गए हैं, जिससे फसलें सूखने लगी है। कुम्हारी क्षेत्र से जुड़े हुए ग्रामीण अंचल में मोहास, देवरी, रतन, धनगोवा, कालाकोट में अधिक धान की फसल चौपट हो चुकी है, जिसका सर्वे किया गया, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दमोह से, गणेश अग्रवाल, इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ। गणेश, धान की जो फसल है इस पर प्रकोप देखने को मिला, वहीं किसानों को कितना क्या नुकसान हुआ था? बिल्कुल, आपको बता दूं कि दमोह जिले के ये पटेरा के अंतर्गत आने वाले कुमारी गांव और उसके जो आसपास के कम से कम 5 से 6 गांव हैं, वहां पर फसलों को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है, और यहाँ पर जो फसलें हैं उनकी खड़ी हुई फसल उनके किसानों को देखते ही देखते उनकी फसलें बैठ गई हैं, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जिला प्रशासन ने संजीदगी से दमोह के कलेक्टर के द्वारा यहां पर कृषि वैज्ञानिक अधिकारी और जो कि कृषि विभाग के अधिकारी वैज्ञानिक और जो राजस्व का अमला था उसको यहां पर भेजा गया, और उस अमले के साथ यहां पर फसलों का निरीक्षण भी किया, और फसलों के निरीक्षण के बाद इन्होंने पाया है कि यहाँ पर एक कीड़ा फसलों में लग रहा है, जिस कारण से वह किसी भी फसल को जो कि उन्होंने उनके द्वारा बताया गया है कि जड़ से यह कीड़ा लगना प्रारंभ होता है, फसल के ऊपरी हिस्से तक लगता है, और इस कारण से यह फसल को पूरी तरह से 4 से 5 दिन में क्षतिग्रस्त कर देता है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो जो कीड़े लग रहे हैं फसलों में वह 4 से 5 दिन में पूरी फसल तबाह कर देते हैं और किसानों के खेत बर्बाद हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके द्वारा यह सलाह दी गई है कि जिनकी फसलें चौपट हो चुकी हैं, जिनकी फसलें बैठ चुकी हैं, उसमें तो ऐसा कोई उपाय उनकी नजर में नहीं आता है कि इनके दवाइयों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनकी फसलों को खड़ा किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा ये बात जरूर कही गई है कि जहां पर ये फसल के जो कीड़े हैं वह नहीं पहुंचे हैं या फिर जो फसलें अभी तैयार हैं खड़ी हुई हैं उनको बचाव के लिए उन्होंने इस पर निर्देश दिए हैं। उन्होंने फसलों पर छिड़काव की बात की है, और इसके अलावा उन्होंने जो फसल खड़ी है उन लोगों को सलाह दी है कि इससे बचाव के लिए प्रॉपर जो भी वैज्ञानिक तरीके से हैं और जो भी उचित दवाइयां हैं उनका उपयोग कर करके इनका उपयोग करें, जिससे उनकी फसलों का नुकसान बचाया जा सके। जी, वहीं फसल का सर्वे भी हो गया है, तो कब तक जो है किसानों को मुआवजा राशि देने की बात कही जा रही है अधिकारियों के द्वारा? बिल्कुल, कलेक्टर के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था, जिसके बाद मैं बता ही चुका हूँ कि कृषि वैज्ञानिक अधिकारी, कृषि अधिकारी के साथ बीमा कंपनी के अधिकारी भी यहां पर पहुंचे थे, और कृषि वैज्ञानिकों ने पूरी फसल का जायजा लिया, और इस फसल का जायजा लेने के बाद उन्होंने जो फसलें हैं देखी हैं। चूंकि बात करें कृषि अधिकारियों की, तो उनका कहना था प्रारंभिक तौर पर जब उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि अभी प्रारंभिक तौर पर जो फसल का है उसमें 5 से 10% का नुकसान बताया जा रहा है। चूंकि जब हम लोगों ने इस बारे में और बात की तो वहां पर जो कृषि उप संचालक थे और जो
मतलब कृषि वैज्ञानिक मनोज अहरवाल थे और जितेंद्र राजपूत जो कि कृषि अधिकारी थे, इसके साथ तहसीलदार पटेरा और अधिवी जो अधिक जो पटवारी थे, इन सभी लोगों से बात करें तो इन लोगों ने ये पाया है कि जो फसलें हैं वह पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं, तो इस तरह से इनको मुआवजा राशि जो है सरकार की तरफ से जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा और उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसको रिपोर्ट भी सौंप दी है और इसके चलते उनका कहना है कि जो पौधे सूख रहे हैं उससे कुमारी क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण अंचल हैं जो कि रेवरी रतन धनगुआ कालाकोट और मोहास ऐसा करके करीबन 5 से 7 गांव हैं जहां पर धान की जो फसल थी वह पूरी तरीके से चौपट हो गई और इस पर कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इन सर्वे के द्वारा उचित सर्वे भी किया गया है और किसानों को उचित मुआवजा देने की बात भी कही गई। इसके साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना भी दी, चूंकि मैं बात करूं कृषि वैज्ञानिकों की तो उनके द्वारा जो दवाइयां थी उनको उन्होंने बिंदुवार दवाइयों का प्रयोग करने की बात भी की। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि यह जो फसल टूट गई है यह अब ये उठती हुई तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस महामारी के प्रकोप में जो धान की फसल लगभग खत्म हो चुकी है उसमें उन्होंने एक सलाह जरूर दी है कि जिनके भी खेत में यह फसल तबाह हुई है वह अपने खेतों की मेड़ पर दवाइयों का छिड़काव करे, इससे क्योंकि ये उड़कर दूसरी जगह पर यह ना पहुंचे, और जिनके खेत हरे हैं उनको यह भी सलाह दी गई उचित माध्यम से जो दवाइयां हैं उनका छिड़काव वह करके फसल को बचा सकते हैं। जी जी, इस जिस तरह से सर्वे हुआ तो इस सर्वे के बाद किसानों का क्या कुछ कहना है, इस दौरान इस बीच में उन्हें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो कृषक होते हैं उनके पास इतनी आमदनी नहीं होती है, वह अपनी फसल के माध्यम से जो पैसा आता है उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और अगली फसल के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में सरकार की कई योजनाएं भी हैं उनके द्वारा उनको कृषि लोन भी मिल जाता है, तो इस तरह से अनेक सुविधाएं रहती हैं कृषकों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब फसल बर्बाद होती है किसान सेवा करता है लंबे समय तक, वो जब उसकी फसल उसके देखते देखते 4 से 5 दिन में एक अज्ञात बीमारी के चलते ऐसी खड़ी फसल जो कि कटने की कगार पर रहती है और एकदम देखते ही देखते जब खेतों में बिछ जाती है तो किसान घबरा जाता है इसको लेकर के किसी तरीके से बताइए कैसी विकराल बीमारी है जो उनकी लाखों रुपए की फसल को बर्बाद कर रही है, क्योंकि धान की जो फसल होती है वो सबसे महंगी फसल होती है, क्योंकि महंगी महंगी दवाइयां आती हैं इसको लेकर भी लोग उनका छिड़काव भी करते हैं, क्योंकि दुकान के द्वारा ही किसानों के द्वारा ये बताया गया कि प्रारंभिक तौर पर उन्होंने दुकानदारों की सलाह पर यहाँ पर दवाई ली है लेकिन उनको उन दवाइयों से कोई फायदा नहीं मिला है, क्योंकि वर्तमान में जो कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी लोग आए हैं उनके द्वारा भी यही बोला गया है कि जो फसलें बैठ गई हैं या फिर जिनमें कीड़े लग चुके हैं उनका बचाव कर पाना तो संभव नहीं है, इस स्थिति में किसानों के लिए बहुत ही बदतर कंडीशन हो गई है और उनको यही सरकार से आशा है कि जितनी जल्दी उनको फसल बीमा का पैसा या मुआवजा राशि मिलेगी उस आधार पर उनको राहत मिलेगी। जी जी गणेश, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी दमोह से, जहां पर दमोह में धान के पौधों में कीड़े लगने की वजह से फसलों की जड़ों में कीड़े लगना शुरू हो गए हैं जिससे फसलें सूखने लगी है। कुम्हारी क्षेत्र से जुड़े हुए ग्रामीण अंचल में मोहास देवरी रतन धनगुबा कालाकोट में अधिक धान की फसल चौपट हो चुकी है जिसका सर्वे किया गया है। चलिए रुक करते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर। आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर जो है वो महू से है, जहां पर गुरुवार को इंदौर लोकायुक्त की टीम ने महू पंचायत में दबिश देकर समन्वयक को 2000 की रिश्वत ले तिरंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ महू से विक्रम जुड़ चुके हैं। पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विक्रम, इंदौर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई की गई है, किसके द्वारा शिकायत की गई थी इस पूरे ही मामले में और क्या कुछ पूरा मामला है विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रविंद्र चंद्रायन नामक एक पंचायत के सचिव हैं जो कि ग्राम पंचायत छोरड़िया में अभी पदस्थ हैं। यही की एक पहले जो एक मतलब यही का एक मामला है, एक ठेके को लेकर बहुत ही बड़ा ठेका था, पातल पानी जो एक पिकनिक स्पॉट है वहां का एक ठेका है जो गाड़ियों का ठेका होता है जो बड़े ही स्तर पे होता है, करीब 7.5 लाख रुपए का ठेका था जो इस बार 3.5 लाख का हुआ जी। इसी के चलते यहाँ पर वो ठेका निरस्त हुआ, ये सब कार्रवाई पहले से चल रही थी जिसके एवज में
जनपद पंचायत जो महू है वहां पर एक पदस्थ बीपीओ है मुन्ना लाल यादव जी जो है वो सचिव को अक्सर परेशान करा करते थे, सचिव के कहे अनुसार अक्सर परेशान करा करते थे, इनसे अक्सर कुछ पैसों की डिमांड किया करते थे। तो आज कल इन्होंने फिर इनसे 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके चलते जो हमारे रविंद्र चंद्रायन जी ने लोकायुक्त से शिकायत कर ये पूरा मामला उनको बताया और टीम ने फिर यहाँ दबिश मारकर उनको रंगे हाथों पकड़ा। जी, वही जिस तरह से महू में बीपीओ को गिरफ्तार किया गया, तो इससे पहले भी उनके उनके पास इस तरह की शिकायत मिल चुकी है उनके खिलाफ, इस पूरे जिस तरह से अभी शिकायत मिली और उन्हें गिरफ्तार किया गया? देखिए, शिकायत तो पहले नहीं मिली, लेकिन कुछ सचिव और जो ये रविंद्र चंद्रायन जिन्होंने शिकायत की थी, इनके कहे अनुसार ये बताया जाता है कि अक्सर इनके द्वारा पैसों की डिमांड की जाती थी, कभी 5000 कभी 4000, और ये हमेशा वो उस चीज को पूरा भी किया करते थे क्योंकि इनकी मजबूरी होती थी, क्योंकि बीपीओ एक ऐसा पद होता है जो पंचायत में पैसा आवंटित करना ये सब उनके हाथ में होता है, तो ये इसी को लेकर उनकी कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति कर दिया करते थे। लेकिन जब ज्यादा परेशान होने के बाद रविंद्र चंद्रायन जी ने तुरंत इसकी शिकायत लोकायुक्त को करी और आज लोकायुक्त टीम ने सुबह करीब 10:30 से 11 के बीच में उनको 2000 रुपए उनके तरीके से दिए और वहीं की वहीं पूरी टीम ने इस मामले को घर दो पहुंचा। जी, और जिस तरह से इंदौर लोकायुक्त की टीम ने ये कार्रवाई की है, तो इसके बाद पंचायत सचिव का क्या कुछ कहना रहा इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए? जी, पंचायत सचिव ने बार बार यही स्टेटमेंट रहे पंचायत सचिव रविंद्र चंद्रायन के कि अक्सर ये पैसे की डिमांड करा करते थे, हम जब मना करते थे तो हमारे कार्यों में बाधा आती थी और इसी तरह से फिर जब मैंने लोकायुक्त को शिकायत करी तो ये पूरा मामला उजागर हुआ। और वही जिस तरह से देखा जाए कि भ्रष्टाचार और ये रिश्वत के मामले जो है अक्सर देखने को मिलते हैं, तो इनके रोकथाम के लिए क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए विक्रम, इस पर आपका क्या कहना है? जी, जैसा कि आज लोकायुक्त डीएसपी आरडी मिश्रा के नेतृत्व में ये टीम ने जो छापामारी करी है, तो महू में ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जो बिना पैसों के नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं महू को लोकायुक्त एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी टीम है कि जिसे महू की तरफ ध्यान देते हुए यहाँ पे कई मामले अगर वो ध्यान दे तो कई मामले यहाँ पर उजागर हो सकते हैं। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी महू से, जहां पर गुरुवार को इंदौर लोकायुक्त की टीम ने महू पंचायत में दबिश देकर समन्वयक को 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल लोकायुक्त की टीम ने जनपद पंचायत महू समन्वयक मुन्ना लाल यादव द्वारा पंचायत सचिव रविंद्र चंद्रयान से 2000 की रिश्वत की मांग की थी। फरियादी सचिन चंद्रयान ने इसकी शिकायत इंदौर लोकायुक्त की टीम को की थी। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए एशियन भारत।